तो गाइस बात उन दिनों की है जब कैलेंडर में 2016 चल रहा था। यस 2016 में हमने शुरुआत की थी हमारे चैनल। शुरुआत में उसका नाम था हाईटेक स्पेशल, बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ हाईटेक निर्मल, फिर बाद में हो गया हाईटेक निर्मल। आज की डेट में शुरुआत हुई थी सितंबर 2016 में, तब मैंने टेक कंटेंट से स्टार्ट किया था और लगभग 1.5 से 2 सालों तक टेक कंटेंट ही डाला। बट फिर बीच बीच में थोड़े व्लॉगिंग करते रहा मैं, और व्लॉगिंग करते करते जो है काफ़ी सारे लोगों को व्लॉग्स पसंद है और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि व्लॉग्स बनाने चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना व्लॉग्स बनाए जाएं। और फिर कुछ 2-3 व्लॉग्स बनाए, ट्रैवल व्लॉग्स थे जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो फिर सोचा कि व्लॉग्स ही बनाया जाए। लेकिन फिर हमारी कुछ ऑडियंस थी पहले की जिन्हें चाहिए था टेक कंटेंट, जिन्होंने हमें पहले से सब्सक्राइब करके रखा था, तो टेक भी रखना था व्लॉग भी रखना था। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ इस तरह का सोच रखा है अभी। अरे यार नाइस, बहुत इरिटेशन होती है यार यूट्यूबर्स को पता है ये चीज। तो व्लॉगिंग भी रखना था, टेक भी रखना था, तो फिर मैंने कुछ बीच का रास्ता अपनाया, सोचा कि क्यों ना टेक व्लॉगिंग किया जाए। तो फिलहाल जो प्लान है वो है व्लॉगिंग करने का, कि आपको व्लॉग्स दिए जाएंगे जो कि कुछ भी हो सकते हैं, टेक व्लॉगिंग हो सकते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग हो सकते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस व्लॉगिंग होगा, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। साथ ही प्लान ऐसा है कि आपको टेक भी दिया जाए, टेक में वो चीज़ें दिया जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। आई मीन इट्स नहीं, ऐसा नहीं हो कि बैठ के बस बातें कर रहे हैं, वैसा नहीं, जो ज़रूरी है, जो लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए ज़रूरी है, जो इन जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल होने वाले हैं, या फिर कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है, कोई ढंग का स्मार्टफोन, कोई अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च होता है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है, कुछ खामियां हैं फ़ोन में या कुछ खूबियां हैं उनको बताना ज़रूरी है, या फिर कोई अनबॉक्सिंग आती है अच्छी सी, तो वो दी जाएगी आपको। उस तरह का वीडियो बनाने का प्लान है। बाकी आप लोग बताओ किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, क्योंकि जो आपको चाहिए वही हम बनाने वाले हैं। बताओ आपको कुछ रोस्टिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैंने क्योंकि रोस्टिंग भी ट्राई किया है, पैराडीज भी ट्राई किया, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है, तो वो भी मिल सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने भाषणबाजी दिया क्योंकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, 2 साल लग गया, काफ़ी लंबा टाइम था, लेकिन स्टिल 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छी बात है, जो कि मतलब थोड़ा सा स्टैंडिंग मिलता है। तो थैंक यू सो मच 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और बात करते हैं वीडियो में लॉन्च इवेंट्स के बारे में। तो जब शुरू हुआ था तो उस वक्त मैं भी यही सोचता था कि किस तरह से लॉन्च इवेंट्स में जाने को मिलेगा, स्मार्टफोन्स को कैसे देखने को मिलेगा फर्स्ट डे में लॉन्च होते ही। तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है, और मुझे अभी अब जब मैं लॉन्च इवेंट्स में जा रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे आप जाते हो, हमें भी बताओ कैसे हम जा सकते हैं, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें लॉन्च इवेंट्स में बुलाया जाए, कैसे जाएँ, इन्वाइट कैसे मिले। तो ये वीडियो उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से जो है आप लॉन्च इवेंट्स में जा सकते हो। तो नंबर 1, पहला कंडीशन आपको इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। कोई नहीं, कंपलसरी नहीं था, बस कर लीजिए, करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलता हूँ वो है कंटेंट। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट इज द किंग, यही फंडामेंटल थंब रूल है, कंटेंट इज द किंग। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप यूट्यूबिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तगड़ा कंटेंट। जब तक आपका कंटेंट हिट नहीं होता, पब्लिक को पसंद नहीं आता, तब तक ब्रांड्स को कहाँ दिखेगा। जब पब्लिक को दिखेगा तभी तो ब्रांड्स को दिखेगा आपका कंटेंट। तो सबसे पहली चीज, ब्रांड्स को आपका कंटेंट दिखना चाहिए। आप ऐसा कंटेंट बनाओ जिसकी रीच अच्छी हो। तो जब तक रीच नहीं बढ़ेगी आपके कंटेंट की, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पहले कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दो, फोकस करो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो, रैंक ऐसा मतलब सर्च रिजल्ट्स में आपका कंटेंट आना चाहिए, व्यूज आने चाहिए, उसके बाद हंसते खेलते कोई भी ब्रांड आपको बुलाएगा। ब्रांड्स को क्या चाहिए, प्रमोशन। प्रमोशन कौन देगा, आप। तो आपके पास जब तक ऑडियंस नहीं होगी तो आप कहाँ से प्रमोशन दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने कंटेंट में फोकस करो, क्वालिटी बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ, एंगेजमेंट बढ़ाओ ऑडियंस के साथ। जब तक वो नहीं बढ़ेगी तब तक कोई नहीं बुलाएगा। उसके बाद एक बार आपके पास कंटेंट है, फिर आपको क्या करना है, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना है। ब्रांड्स को अगर आप डायरेक्टली उनको मेल करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, कोई चेक भी नहीं करेगा आपका मेल। तो आपको करना क्या है, आपको उनकी पीआर टीम को कांटेक्ट करना है। ब्रांड्स क्या करते हैं, इवेंट के लिए पीआर को दे देते हैं कि भाई ये लो, तुम इवेंट ऑर्गेनाइज करो, तुम मीडिया को बुलाओ, सारी चीज़ें तुम हैंडल करो, हमें बस अपना इवेंट होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा हमसे ले लो, ये ब्रांड्स का रिस्पॉन्स होता है। तो ब्रांड्स ने पीआर अपॉइंट कर रखे हैं, तो ब्रांड क्यों ध्यान देंगे, अगर आप उनको मेल करते हो तो आपको इग्नोर करेंगे, उन्होंने बोलेंगे हमारे पीआर से कॉन्टैक्ट करो, हमने पीआर रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ब्रांड को कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपको पीआर को कॉन्टैक्ट करना है जो आपको इन्वाइट देंगे।
इवन रिव्यू यूनिट भी पीआर ही देते हैं, तो आपको रिव्यू यूनिट्स के लिए भी पीआर को ही कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपका कंटेंट एक लेवल के बाद ऊपर चला जाता है, आपके सब्सक्राइबर्स की स्टैंडिंग, आपके ब्लॉग की स्टैंडिंग अच्छी खासी हो जाती है, उनको सामने से दिख रहा है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि मुझे इनवाइट चाहिए, इनवाइट मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे कि भाई हमने आपका चैनल देखा, आपका वीडियो देखा, ये कंटेंट है, ऐसा ऐसा हमें अच्छा लगा, तो क्या आप हमारे इवेंट में आ सकते हो, इवन आप रिव्यू यूनिट लेना पसंद करोगे, हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू करना पसंद करोगे, वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे। तो ये चीजें हैं, और गर्मी बहुत हो रही है, तो जब आपका कंटेंट उनको सामने से दिख रहा है तो आपको सामने से अप्रोच करेंगे और आपको बस हाँ हाँ आंसर करना है। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है इवेंट्स में जाना, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। इवन बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं, पसंद भी नहीं करते आज के टाइम पे इवेंट्स में जाना, लेकिन जाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है जो ब्रांड्स हैं उनके साथ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनसे रिव्यू यूनिट्स भी चाहिए, तो इसलिए लोग जाते हैं। और एक बार जब आप जाना शुरू करोगे, दो चार इवेंट्स अटेंड करोगे, तो उसके बाद फिर लगता है हाँ वही रूटीन है, क्या करना है इवेंट्स में जाके, बस। तो यही था लॉन्च इवेंट्स के बारे में। और हाँ, हमारे चैनल के जो 5000 सब्सक्राइबर्स अचीव हुए हैं काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद हुए हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या कंटेंट चाहिए हमारे चैनल पे। मैं सोच रहा था कि अगर हम बनाएंगे व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी होंगे, ये भी काइंड ऑफ एक व्लॉग है, आई मीन कुछ मूवी जैसा बनाने का प्लान है। तो क्या आपको चाहिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और लॉन्च इवेंट में जाने का जो एक सबसे बड़ा सीक्रेट है वो बताना मैं भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करोगे लॉन्च इवेंट्स के इन्वाइट्स अपने आप आएंगे। खैर कोई बात नहीं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय।